हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सचिन पवार एंड हियर वी आर डूइंग 10th क्लास केमिस्ट्री एंड आई होप दैट यू ऑल आर सेफ एट योर होम्स एंड यू आर गिविंग मोस्ट ऑफ योर टाइम टू योर स्टडी एज नथिंग इज इम्पोर्टेंट देन योर स्टडी एट दिस टाइम। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड सम पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड टुडे वी विल डू द remaining part of that chapter. So let's start. So today we will discuss about the type of chemical reactions. So here are some type of important reactions. First one is combination reaction, second one is decomposition reactions, third one is displacement reactions, fourth one is double displacement reaction, and fifth one is oxidation and reduction reaction. So let's read these types of reactions one by one. First one is chemical reaction. So combination reactions. Combination reactions are those reactions in which two or more substances combine to form a single substance. These type of reactions are called combination reaction. For example, magnesium plus oxygen. When these two elements combine, they form magnesium oxide, that is MgO. So here are two reactants, and the after combining they are forming one single product. So these type of reactions are called combination reaction. ऐसी reaction जिसमें दो या दो से ज़्यादा substances react करके combine होने के बाद एक product बनाएं, ऐसी reactions को हम क्या बोलते हैं, combination reactions बोलते हैं। एक कुछ और example दिए गए हैं, C plus O2 क्या बनाता है, carbon dioxide, hydrogen plus oxygen water बनाता है 2H2O, और देखें H2 plus Cl2 2HCl। तो देखें यहाँ पे दो reactant मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस टाइप की reactions क्या कहलाती है, combination, क्योंकि दो reactant क्या हो रहे हैं, combine हो रहे हैं एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस क्या होता है, डिकम्पोज होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इट इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, CaCO3 आफ्टर डिकम्पोजिशन वेन वी हीट इट, इट विल डिकम्पोज इंटू CaO प्लस CO2। इन द सेम वे वेन KClO3 पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड, इट विल फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। इन द सेम वे हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। PbNO3 whole twice, it will decompose into PbO plus NO2 plus O2. NaCl, when we pass the electricity through it, it will form Na plus Cl2. In the same way, aluminium oxide, when we pass electricity through aluminium oxide, it will decompose into Al plus 3O2. Okay, next type of reaction is displacement reaction. So those reactions in which one element takes the place of another element इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले ले, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, CuSO4 प्लस Mg, इट विल फॉर्म्स MgSO4 प्लस Cu। तो देखें यहाँ पे Cu की जगह पे कौन आ गया, Mg आ गया, और मैग्नीशियम सल्फेट उसने बना लिया आके, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैंने बताया था कि हम कैसे देखते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज़। आप प्लीज़ उसको याद रखें, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे बता दें, मैं दोबारा से रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपके लिए डिफ़ाइन कर दूंगा किसी लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखें PB ने CU को डिस्प्लेस कर दिया तो PbCl2 बन गया। नेक्स्ट में देखें, हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, यहाँ से सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया तो NaOH बन गया। नीचे देखें, यहाँ पे पोटेशियम ने क्या कर दिया,
यहाँ पे Cl2+2K आई था, ठीक है। तो यहाँ से देखें क्या हुआ है कि I यहाँ से डिस्प्लेस हो गया और Cl2 उसकी जगह पर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस यहाँ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब देखें नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जहाँ पे दो सब्सटेंस एक दूसरे की जगह लेंगे वहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। दो अलग अलग जगह देखें, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, और दो न्यू कंपाउंड बनाए। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल AgNO3+NaCl। अब देखें Na कहाँ होगा, Ag की जगह आ जाएगा तो NaNO3 बन जाएगा, और Ag कहाँ होगा, Cl की जगह आ जाएगा तो AgCl बन जाएगा। तो देखें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और कुछ एग्जांपल है देखें, BaCl2Na2SO4। तो Na कहाँ आ जाएगा, Cl के साथ, तो NaCl बना लेगा, और Ba कहाँ आ जाएगा, SO4 के साथ, तो BaSO4 बना लेगा। नेक्स्ट देखें Cu कहाँ जाएगा, एस के साथ, तो CuS, और H2 कहाँ जाएगा, SO4 के साथ, तो H2SO4, ठीक है। आसान है, तो प्लीज़ आप याद रखें ये कैस कौन कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है और कहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कैन बी डन बाय टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और सेकेंड वन इज़ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बोथ दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ओके। सो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टुक्स प्लेस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टुक्स प्लेस, देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन इज द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। सो वी कैन सी डेट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, ओके। आई होप डेट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच वी हैव डिस्कस्ड येट नाउ। So let's move towards next topic, which is oxidizing agent and reducing agent. This is very important topic as the aspect for board exams. So oxidizing agent is the substances which gives oxygen for oxidation is called an oxidizing agent, or the substance which removes hydrogen is also called an oxidizing agent. So please keep this in your mind, that what is oxidizing agent. Next is reducing agent. So the substance which give oxygen for reduction is called reducing agent. The substance which give hydrogen for reduction, okay. And next is the substance which removes oxygen is also called a reducing agent. So please keep this in your mind. The oxidation reduction reactions are called redox reaction. When these both reactions took place in a single substance or in a single reaction, then the type of reaction will called redox reaction. For example, CuO+H2, it gave Cu+H2O. So removal of oxygen is reduction. From CuO it becomes Cu. So this is the reduction, and H2 from H2 it becomes H2O. So here is the addition of oxygen. So this is called oxidation. So this whole reaction will called a redox reaction. Next is effect of oxidation reaction in our daily life. So there are two common effects of oxidation reactions which we have observed in our daily life. First one is corrosion of metals, and second one is rancidity of food. So corrosion is the process in which metal are eaten up gradually by the action of air or moisture in a chemical reaction on their surface. Rusting of iron metal is the most of the common of corrosion. So here is the reaction of corrosion, which is 4Fe+3O2+2XH2O. It will form Fe2O3XH2O. So please keep this in your mind. Next is the rusting of iron is a redox reaction. Rusting involves unwanted oxidation of iron metal, which occurs in nature of its own. Whereas corrosion weakens the iron steel objects and structures such as railings, car bodies, bridges and ships, etc., and cuts short their life. So I hope that you all have understood this. This is very a simple process. Next topic is rancidity. So the condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. Or in simple words, we can say that खाना खाने का ख़राब हो जाना, ठीक है, खाने का ख़राब होना ही, कोई भी चीज़ खाने की है उसका ख़राब हो जाना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। सो रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स। जो खाना स्पेशली फैट्स और ऑयल्स होते हैं,
खाने के अंदर, वो बहुत जल्दी से ऑक्सीडेशन के थ्रू ख़राब हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि इसको बचाया कैसे जा सकता है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, और रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में हम क्या कर सकते हैं, उसको पैक कर सकते हैं। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में अगर जो खाने के रख दोगे तो भी वो धीरे धीरे ख़राब होता है। और रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में भी उसको रख सकते हैं तो भी वो क्या होता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता। और उसको थोड़ा और स्पीड हम कम कर सकते हैं ख़राब होने की, अगर जो हम उसको लाइट से दूर रखते हैं तो। ठीक है, तो दीज आर सम प्रोसेसेस थ्रू विच वी कैन डू द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। प्लीज़ रिवाइज दिस वंस मोर। आई हैव ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन माई लास्ट लेक्चर, सो प्लीज़ ऑल्सो वॉच दैट लेक्चर अगेन। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।